राजघाट पर देव दीपावली के उपलक्ष्य में गंगा महोत्सव आयोजित हुआ। देव दीपावली के उपलक्ष्य में गंगा महोत्सव का आयोजन राजघाट पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने किया। महोत्सव के दूसरे दिन कुल 8 प्रस्तुतियों में 7 स्थानीय कलाकारों की रही। इसमें युवाओं व वरिष्ठ दोनों को मौका मिला। काशी के वरिष्ठ कलाकार अमरीश चंचल का शास्त्रीय गायन और विदुषी कमला शंकर का शास्त्रीय गिटार वादन दूसरी संध्या का विशेष आकर्षण रहा। गायन के क्रम में पंडित गणेश मिश्र ने भी उप शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति की। शुरुआती दौर में भजन गंगा का प्रवाह डॉक्टर अमलेश शुक्ला ने किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। युवा कलाकार प्रियंवदा तिवारी एवं समूह ने सर्वप्रथम गणेश पंचरथ में गंगा अवतरण प्रस्तुत किया। अंत में नमामि गंगे की ओर से नृत्य नाटिका का मंचन पद्मा रेड्डी और उनकी टीम ने किया। विनती करूं मैं बारंबार, जय जय गंगे महारानी। घर आंगन में मेरे नहीं सबके घर आंगन में, कि मेरे घर आंगन में खुशियों की माँ भर दे तू भंडार। मेरे घर आंगन में खुशियों की माँ भर दे तू भंडार। विनती करूं मैं बारंबार, मेरे घर आंगन में खुशियों की माँ भर दे तू भंडार। जैसा कि हर साल गंगा महोत्सव कराया जाता है, ये कार्यक्रम एक कलाकारों को मंच प्रदान करता है, स्थानीय कलाकारों को। तो वही कार्यक्रम इसमें किया जा रहा है, और दो दिवसीय कार्यक्रम गंगा महोत्सव का है, जो 6 कलाकार यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके अलावा कल देव दीपावली है, उसके अवसर पर विशिष्ट कलाकार आएंगे। कितने दिन का और क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये गंगा महोत्सव है, सभी जानते हैं। गंगा महोत्सव का आयोजन बनारस में विगत 25 वर्षों से, या 28वां गंगा महोत्सव है, और इस साल यह 3 दिवसीय है, जिसका कल उद्घाटन माननीय मंत्री जी लोगों ने किया यहाँ पे, और ये कल से प्रारंभ है, आज भी है, और कल देव दीपावली के दिन इसका समापन होगा। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? गंगा भारत की आत्मा है, और गंगा के किनारे ही भारतीय सभ्यता पली पढ़ी। तो ऐसे में अपनी जन्मदायिनी के साथ साथ जो हमारी अन्नदायिनी है, पुण्यदायिनी है, मोक्षदायिनी है, उसका धन्यवाद करना भी हम सबका पुनीत कर्तव्य है। उन्हीं को याद करते हुए, नमन करते हुए देवोत्थानी एकादशी से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा के बीच माँ गंगा को नमन करने, और ये स्वरांजलि के माध्यम से नमन करने की एक परंपरा काशी के हमारे बुजुर्गों ने आज से 28 साल पहले जो परिकल्पना की थी, उसका परिपालन इसमें पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार, सभी मिलकर इसको जिला प्रशासन वाराणसी कर रहे हैं। क्या खास है इस बार? इस बार आप एक तो विगत 2 वर्षों से हम लोग कोरोना जैसे महाविभीषिका से जूझ रहे थे, जिससे ये कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है, तो 2 वर्षों के बाद ये अपने पूर्ण रूप में आया है। तो इसमें एक तो बनारस के सभी ज़्यादातर युवा कलाकार हैं जो शास्त्रीय संगीत की साधना कर रहे हैं, उनको अवसर देने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया है। उसके साथ ही कुछ बड़े कलाकारों को भी बुला करके काशी से, कि हम किसी भी तरह की विपत्ति संपत्ति से अगर धैर्य और नियम का पालन करें तो उसे पार पा सकते हैं, तो उसी के माध्यम से यह एक संदेश देने की कोशिश की।